सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो इस बार कड़ी कार्यवाही होगी। सामूहिक नकल जैसे केस में तो जनपद के डीएम व कमिश्नर पर भी गाज गिर सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नकल रोकने की अपनी मंशा को स्पष्ट किया। सीएम योगी के मुताबिक परीक्षा किसी भी कीमत पर नकलविहीन संपन्न कराई जानी है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर मंडल में कमिश्नर और जीडी व जिले में डीएम और डीआईओएस जिम्मेदार होंगे। कराई जाएगी वीडियोग्राफी। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू करने की बात कही है। गौरतलब है कि राज्य में 6 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। राजधानी स्थित शास्त्री भवन में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दागी केंद्रों को परीक्षा से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने की सामूहिक जिम्मेदारी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों की होगी। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो वे ही दोषी माने जाएंगे। निर्देशित किया कि परीक्षा के समय और उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं की ट्रकों की लोडिंग आदि की वीडियोग्राफी कराई जाए। हर सेंटर पर पुलिस कर्मी यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकलविहीन कराने के लिए प्रत्येक सेंटर पर 2-2 असलहाधारी तैनात रहेंगे। 343 केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि नकल के लिए बाहर से पड़ने वाले दबाव को खत्म किया जा सके। जिले के 21 अति संवेदनशील और 76 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के अलग से इंतजाम किए जाएंगे। मंडल स्तर पर 4, जनपद स्तर पर 9 और ब्लॉकों में 24 फ्लाइंग स्क्वायड टीम लगाई जाएगी। सभी टीम के साथ 2-2 सशस्त्र पुलिस वाले रहेंगे। परीक्षा केंद्र व ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर तक गठित फ्लाइंग स्क्वायड के साथ 700 से अधिक पुलिस वाले लगाए जा रहे हैं। सभी केंद्रों को 37 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रशासन की ओर से सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षक करेंगे बहिष्कार। इस बीच वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। 6 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं में न तो वे कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करेंगे और न ही मूल्यांकन। वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय बंद कर दिया है। लंबे संघर्ष के बाद पिछली सरकार ने मानदेय के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए थे। लगभग 2 लाख शिक्षकों को मानदेय का फायदा मिलना था। वर्तमान सरकार ने बिना कोई कारण बताए इस मानदेय को बंद कर दिया है।